अब यहाँ पे मेरे को बैटरी बैकअप थोड़ी सी कम लगी इस वाले फोन का, और वो थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंट करा। तो हाँ भाई, कैसे हैं आप सब? तो यार मेरे पास Vivo T2 5G को 125 डेज हो चुके हैं, और आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैंने इस वाले फोन का कैमरा टेस्ट कर रखा है, गेमिंग टेस्ट कर रखी है, स्पीड टेस्ट कर रखी है। तो ओवरऑल मेरे को इस वाले फोन में जो भी अच्छा लगा है, जो खराब लगा है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, 500 लाइक का टारगेट सेट करते हैं, आई होप आप पूरा कर दोगे। पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन से। तो दोस्तों मेरे को इसका डिजाइन अच्छा लगा है, एंड इसका बैक पैनल को अगर आप अलग अलग एंगल में टिल्ड करोगे ना तो ये कलर चेंज करता है, जो कि काफी अच्छा लगता है दिखने में। हालांकि जो इसका बैक है ये पॉलीकार्बोनेट बैक ही है, और मैंने इस वाले फोन को विदाउट कवर यूज करा है। अभी तक इस पे कोई भी स्क्रैचेस वगैरह देखने को नहीं मिले हैं। बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी मेरे को सॉलिड लगी है। ये फोन उतना बड़ा नहीं है तो वन हैंड भी आप इस वाले फोन को यूज कर पाओगे। अब इस वाले फोन से हमने कॉल वगैरह ली थी। देखो कॉलिंग वगैरह के टाइम आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। इसमें आपको 4G+ वगैरह का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, और 6 5G बैंड का सपोर्ट है। तो अगर आपके सिटी में 5G आ गया तो 5G भी टकाटक चलता है। बट मेरे को एक प्रॉब्लम देखने को मिली कि इसमें प्रॉक्सिमीटर सेंसर नहीं दिया हुआ है, तो आप जब भी कॉल वगैरह पे बात करते रहोगे ना इसका स्क्रीन बंद ही नहीं होता है। ये एक इश्यू देखने को मिलेगा आपको। और इस वाले फोन में आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, जिसकी लाउडनेस वगैरह मेरे को उतनी कोई खास पसंद नहीं आई। हालांकि जिस प्राइस पॉइंट का ये फोन है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया जा सकता था। वही दोस्तों ये फोन आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ देखने को मिलता है, जो कि हर बार अच्छे से काम कर जाता है। एंड ये फोन एक फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। डिस्प्ले की क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो तो वीडियो के कलर्स वगैरह आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। इवन इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। आउटडोर विजिबिलिटी डिस्प्ले की अच्छी है, एंड यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, जो कि डे टू डे यूज में एक्चुअल फील होता है। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो मेरे को अच्छा लगा है। बट यहाँ पे मेरे को एक चीज अच्छी नहीं लगी कि वाटर ड्रॉप नॉच है। जो फोन है एंड्रॉइड 13 पे आता है, और आपको फंटस ओएस 13 देखने को मिल जाता है। मेरे को इसकी UI में कोई भी जिटर या फिर लैग वगैरह देखने को नहीं मिला है। इसका UI काफी स्मूथली वर्क करता है। बाकी फर्स्ट टाइम मैंने जब सेटअप करा था तो ब्लॉटवेयर वगैरह मेरे को मिला था, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने के बाद फोन एकदम क्लीन हो जाता है। अब यहाँ पे मेरे को बैटरी बैकअप थोड़ी सी कम लगी इस वाले फोन का, और वो थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंट करा। अगर आप इस वाले फोन को नॉर्मल यूज करते हो तो ये वाला जो फोन है आपको एक दिन का ही बैकअप निकाल कर देता है। हेवी यूज करते हो तो आपको एक दिन में एक बार चार्ज करना पड़ेगा। इस वाले फोन को 0 to full charge होने में 30 to 35 minutes लगता है। एंड अगर बात करते हैं इसकी कैमरास की, तो मैंने इस वाले फोन से फोटोज वगैरह ली थी। फोटोज के कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं, डिटेलिंग वगैरह आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, और पोर्ट्रेट फोटोज वगैरह भी लेते हो ना तो वहाँ पे भी HD डिटेक्शन वगैरह अच्छे से कर लेता है। अब सेल्फी कैमरा से भी हमने फोटोज वगैरह लिया था, वहाँ पे भी जो फोटोज की आउटपुट निकलती है अच्छी निकलती है। यहाँ पे भी आपको डिटेलिंग वगैरह अच्छी देखने को मिलती है फोटोज में। ये वाली वीडियो अभी सेल्फी कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, फुल HD 30 FPS पे, और यहाँ पे आप क्वालिटी वगैरह देख सकते हो भाई कि किस टाइप की क्वालिटी आपको मिल रही है। ये वीडियो अभी रियर कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, फुल HD 60 FPS पे। यहाँ पे आपको मैक्स रेजोल्यूशन यही देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप क्वालिटी वगैरह देख सकते हो कि आपको कैसी क्वालिटी मिल रही है। ब्रांड ने कहा है कि इसमें OIS वगैरह दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन मैंने इससे वीडियोस वगैरह ली थी, वीडियोस स्टेबल नहीं आती है दोस्तों। इसमें स्टेबिलिटी वगैरह का मोड भी दिया हुआ है, अगर आप उसको ऑन करके लेते हो तो कुछ हद तक वीडियो स्टेबल आती है, लेकिन नॉर्मल मोड पे वीडियो स्टेबल नहीं आती है। और अगर मैं शेक करता हूँ ना तो इसका OIS हिलता भी नहीं है। आवाज आ रहा नहीं आ रहा ना? अब इसमें OIS दिया हुआ है, और इसको मैं शेक करूंगा तो देखना आवाज आ रहा ना। आई डोंट नो इसमें OIS है कि नहीं है, लेकिन मेरे टेस्टिंग में तो मेरे को नहीं लगता है कि इसमें OIS दिया हुआ है। अगर बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अंतुतु स्कोर इसकी 4 लाख के प्लस आती है, और मैंने इस वाले फोन को हेवी यूज करा है, नॉर्मल यूज करा है, गेमिंग वगैरह करके देखी है। इस वाले फोन की परफॉर्मेंस मेरे को अच्छी मिली है, काफी अच्छा स्टेबल प्रोसेसर दिया गया इस वाले फोन में। VGMI वगैरह मैंने प्ले करा था, मेरे को कहीं पे भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को नहीं मिला। और मैंने इसकी गेमिंग टेस्टिंग कर रखी है, तो आप वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। ये वाला फोन भाई हीटिंग को भी काफी अच्छे से कंट्रोल करके रखता है, यहाँ पे आपको कोई भी ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। और ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग वगैरह मेरे को थोड़ी सी इसकी स्लो लगी है। रैम मैनेजमेंट वगैरह मैंने देखी थी, काफी अच्छी है, काफी टाइम तक एप्लीकेशन को रैम में रख पाता है। तो यहाँ पे ये वाला फोन अंडर 20K के प्राइस पॉइंट में भाई कुछ चीजें अच्छी लेकर आता है, लेकिन कुछ चीजों पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लाइक इसमें डुअल स्पीकर नहीं है, वाटर ड्रॉप नॉच वाले डिस्प्ले दे रखा है, और OIS वगैरह का तो मेरे को मसला ही लगता है भाई कि है कि नहीं है। लेकिन अगर आपका 20,000 का बजट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप IQ Z7 5G की तरफ चले जाओ। तो आपको पता होगा शक्तिमान ही गंगाधर है, Vivo का ही सब ब्रांड IQ है, और कई लोग ये सोचते हैं कि IQ का सर्विस सेंटर नहीं है इंडिया में। तो डोंट वरी गाइस, Vivo का जो सर्विस सेंटर है वहीं पे आपका IQ का भी फोन रिपेयर हो जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी आप अपनी राय बताओ कि आपको क्या लगता है इस वाले फोन के बारे में, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। चलो मिलते हैं फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।